हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर। देखिए, जैसा कि पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो पहले यूपीएसईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो अब चेंज करके यूपीसीईटी के नाम से हो रहा है। तो उसमें क्या है ना कि उसमें जो अलग अलग ट्रिपल एमयूटी के कोर्सेज थे और उसमें जो यूपीटीयू के अलग अलग कोर्सेज थे, उन सभी कोर्स के लिए एग्ज़ाम हो रहा है एक्सेप्ट बीटेक, क्योंकि बीटेक जेईई में चला गया है। तो ऐसा है ना कि उसके रिगार्डिंग आप लोगों में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है जो कि अराइज़ हो रहे हैं। आप लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में, और डिटेल्स जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, किस वेबसाइट पे जाके होगा, या फिर उसमें क्या है, कैसे है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पे मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं आया है एनटीए की तरफ से। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि ये वाला एग्ज़ाम करा रहा है, जो कि आपका यूपीसीईटी एग्ज़ाम करा रहा है। कौन करा रहा है? एनटीए करा रहा है, इतना आप जानते रहिए। इसमें क्या है, जैसा कि आप लोगों देख सकते हैं, नेशनल टेस्ट एजेंसी का मतलब जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वही ये सारे एग्जाम करा रहा है। फिर आप देख सकते हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर वाला लोगो, आप देख सकते हैं मतलब ट्रिपल एमयूटी का इसमें है। और प्लस उसके बाद आप देख सकते हैं एकेटीयू वाला भी, मतलब हर एक कोर्स को, हर एक एंट्रेंस एग्जाम को इसमें कंबाइन कर दिया है, यूपी के जितने भी हैं। तो उसमें क्या है कि इसके लिए आपको यूपीसीईटी का एग्जाम देना होगा, जो कि पहले यूपीएसईई के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक नोटिस में, जो कि 25 मार्च को ही आया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अब आपका यूपीसीईटी का एग्जाम होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या कि यूपीसीईटी में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे, किस किस कोर्स के लिए आप यूपीसीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम आपको आगे और भी जो चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मतलब जो यूजी कोर्स होते हैं आपके क्लास ट्वेल्थ के जस्ट बाद वाले जो कोर्सेज होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आप कौन कौन से वाले में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या है ना कि इसमें जो पहला कोर्स है वो है 4 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब बी फार्मा होगा। उसके बाद 4 ईयर ऑफ डिजाइन बीडीएस होगा। 4 ईयर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी बीएचएमसीटी होगा। 3 ईयर बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज बीओक होगा। 3 ईयर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए होगा। उसके बाद बीएफएडी होगा। उसके बाद 5 ईयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड, मतलब आपका एमसीए होगा क्लास ट्वेल्थ के जस्ट बाद वाला। उसमें क्या रहेगा कि आपका मतलब हो जाएगा दोनों मिला के, बीसीए और एमसीए जो भी आप यूज करते हैं उसका, उसी सेम तरीके से आपका 5 ईयर एमबीए इंटीग्रेटेड भी होगा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं लेटरल एंट्री ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब जो आप लेटरल एंट्री लेते हैं, तो बीटेक में आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, एक कोर्स भी है। आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हैं, ये भी है इसमें। और आप बी फार्मा में मतलब लेटरल एंट्री ले सकते हैं। तो ये हो गया आपके यूजी कोर्सेज में। और वहीं पर अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज के बारे में, ध्यान दीजिए जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये एकेटीयू का बता रहे हैं, तो आपके पीजी कोर्सेज में आ जाएगा सिर्फ एक ही, जिसका नाम है 2 ईयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, मतलब अगर आपने इससे पहले बीसीए या फिर ये सभी चीज़ें की हुई हैं, बीएससी सीएस ये सभी होता है ना जो आपके यूजी कोर्सेज में, अगर आपने वो किया हुआ है तो उसके बाद आप एमसीए कर सकते हैं। तो इतने सारे कोर्सेज हो गए आपके जो पहले होते थे एकेटीयू के थ्रू। और वहीं पर जो आप अगर हम बात करें ट्रिपल एमयूटी वाले में, कोर्सेज एट ट्रिपल एमयूटी एडमिशन फॉर विच इज़ कवर्ड अंडर यूपीसीईटी 2021, 3 ईयर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बीबीए आपका है। उसके बाद 4 ईयर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी बी फार्मा है। ये दो कोर्स हो गए आपके यूजी में। और अगर हम बात करें आपके लेटरल एंट्री में, तो बीटेक फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक फॉर बीएससी ग्रेजुएट, इसमें आप मतलब अगर आप ट्रिपल एमयूटी में बी फार्मा में लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एकेटीयू में बी फार्मा में लेटरल एंट्री पॉसिबल है। और बाकी बीटेक में लेटरल एंट्री दोनों में पॉसिबल है, आपके एकेटीयू में भी, आपके ट्रिपल एमयूटी में भी। वहीं पर अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज की, तो वही कि 2 ईयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए है, 2 ईयर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेशन एमबीए है, एमएससी मैथ्स, उसके बाद एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, उसके बाद आप ये वाला देख लीजिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही है कि इतने सारे कोर्सेज आपके यूपीसीईटी में होने वाले हैं, इन सभी कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। ये तो बात हुई कोर्सेज की। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 16 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो 57 सिटीज़ पूरे इंडिया में हैं जिनमें आपका एग्ज़ाम होगा यूपीसीईटी का। मोड ऑफ एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होगा। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे।